बैक टू माई चैनल, दिस इज़ भावना। सो गाइज़, आज मैं अगेन आपसे एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड गाइज़, ये ब्लॉग होने वाला है कि मैं अपने हेयर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करती हूँ। वैसे ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो नहीं है। आज मैं जा रही हूँ एक सलून एंड मैं कराने वाली हूँ अपने हेयर को स्मूदिंग, बिकॉज मेरे हेयर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा बहुत फ्रीजी तो नहीं कह सकती, बट गाइज़ एक शाइन इसमें से चली गई है। मैंने 6 to 7 months पहले कराया था केराटिन ट्रीटमेंट, जिसने कि मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ कर दिया था। बट गाइज, दिस टाइम मैं कराने वाली हूँ स्मूदिंग अपने हेयर्स पे। वैसे मेरा कोई आइडिया नहीं था, मैं आई हूँ अपने मम्मी के घर। एंड गाइज, यहाँ पे मैं जिस सैलून में पहले सारी चीज़ें कराती थी, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, क्लीन अप एंड ऑल, तो उन दीदी के वहाँ पे दिवाली के में बहुत ही अच्छा एक ऑफर प्राइस चल रहा है, जो कि सिर्फ 4000 rupees में हेयर स्मूदिंग कर रही है। एंड गाइज, आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स, मेरी हेयर्स की लेंथ है, बट फिर भी मेरा सिर्फ 4000 लगने वाला है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप करवा लो स्मूदिंग, वरना मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था। सो गाइज, हम वहाँ जा रहे हैं एंड मैं वहाँ पे आपको उनकी प्रोसेस भी दिखाऊंगी एंड उनका सलून भी दिखाऊंगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। गाइज, हम जा रहे हैं वहीं एंड बस अभी मैं निकल रही हूँ, अभी मैं घर पर हूँ, तो अभी निकलते हैं घर से एंड देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होता है मेरे बालों के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, ये है वो सैलून जहाँ पे मैं कराने वाली हूँ अपने हेयर्स की स्मूदिंग। एंड गाइज़, ये पार्लर है धर्मशाला लाइन में एंड इस पार्लर का जो नेम है वो है चॉइस मेकअप स्टूडियो। एंड ये है उसके अंदर जो आप देख सकते हैं, ये पार्लर का अंदर का पार्ट है। एंड गाइज़, पार्लर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड गाइज़, शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं गाइज, एज़ यू कैन क्लियरली सी डैट। सो गाइज, आज मैं यहीं कराने वाली हूँ अपने हेयर्स की स्मूदिंग। एंड गाइज, यहाँ पे आप बहुत रीज़नेबल प्राइस में सारी सर्विसिंग ले सकते हैं। इनकी जो सर्विसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो गाइज, मैं अपने हेयर्स को वॉश करके नहीं आई थी, तो यहाँ पे गाइज फर्स्टली इन्होंने मेरे हेयर्स को वॉश किया था, जो कि मैं शूट मैंने किया तो था, बट गाइज मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किया है बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो इन्होंने वॉश करने के बाद गाइज मेरे हेयर्स को ड्राई कर लिया था। देन गाइज, इन्होंने मेरे हेयर से सारे टेंगल्स को फ्री कर लिया। सारे टेंगल फ्री होने चाहिए आपके हेयर्स, अदरवाइज जो भी आपको क्रीम लगेगी आपके हेयर्स पर अप्लाई होगी वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगी। देन गाइज, इन्होंने मेरे हेयर्स का अच्छे से पार्टीशन कर लिया था मेरे हेयर्स को, जिससे कि जो क्रीम है वो बहुत ही लिटिल सेक्शन, मतलब आप कह सकते हो छोटे छोटे सेक्शन में, पतले सेक्शन में वो अच्छे से क्रीम अप्लाई हो सके। दैट्स वाई इन्होंने मेरे सारे जो हेयर्स हैं उनको बहुत ही पतले सेक्शन में इन्होंने क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. गाइज़,
अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है 25 to 30 minutes का, वो आपके बालों के में बालों के अकॉर्डिंग होता है गाइज़। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तो मेरा 25 या 20 minutes में हो गया था। देन गाइज उसके बाद मेरे हेयर्स को यहाँ पे वॉश किया जा रहा है। गाइज वॉश करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वॉश अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके जो हेयर्स है वो अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हेयर्स का जो भी सारा क्रीम लगा हुआ था उसको अच्छे से रिमूव कर लिया एंड मेरे हेयर्स को वॉश कर लिया था। देन गाइज यहाँ से स्टार्ट होती है जो मेन प्रोसेसिंग होती है गाइज, वो आधी हो चुकी है क्योंकि बिकॉज जो क्रीम है वो लग चुकी है। बट गाइज यहाँ पे मेरे हेयर्स को अच्छे से जो दीदी हैं ये संगीता दी पहले ड्राई कर रही हैं। तो गाइज इन्होंने अच्छे से मेरे हेयर्स को ड्राई किया हेयर ड्रायर्स की हेल्प से। एंड गाइज उसके बाद फिर से अगेन इन्होंने मेरे हेयर्स में पार्टीशन कर लिया मेरे हेयर्स का, जिससे कि ये अच्छे से मेरे हेयर्स को पतले पतले सेक्शन में ड्राई कर सके एंड वो बिल्कुल स्ट्रेट हो सके। तो गाइज यही प्रोसेसिंग बस यहाँ पे चल रही है, तो वो एक कॉम की हेल्प से एंड एक ड्रायर की हेल्प से ये कर रही हैं। देन गाइज उसके बाद यहाँ पे ड्रायर के बाद यहाँ पे इन्होंने एक और क्रीम लगाई थी, बट गाइज वो मैंने शूट नहीं करी बिकॉज उस टाइम पे मेरा जो फ़ोन की बैटरी थी वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी, तो लो हो गई थी, तो वो शूट नहीं हो पाई है। वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है गाइज, एंड आप देख लिया आपने पहले कि इन्होंने किस तरह से अप्लाई करा है क्रीम, तो बस वैसे ही इन्होंने क्रीम अप्लाई किया था नेक्स्ट दूसरी बार भी। तो गाइज़ यहाँ पे अब इन्होंने मेरे सेक्शन बाय सेक्शन ये कर रही हैं स्ट्रेटनर से मेरे हेयर्स को स्ट्रेट, जो कि मेन सबसे ज़्यादा जो टफ वर्क होता है एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेयर स्मूदिंग एंड स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग में, तो वही कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे मेरे पूरे हेयर्स में अच्छे से स्मूथ हो गए हैं एंड गाइज हेयर इज़ माई फाइनल लुक, नॉट फाइनल लुक गाइज, क्योंकि अभी हेयर स्मूदिंग के बाद गाइज आपको 2 days के बाद आपको नेक्स्ट डे आना पड़ता है एंड आपको अगेन अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश करना पड़ता है, वो आपका फाइनल लुक होता है। बट स्टिल गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं एंड मेरे हेयर्स की लेंथ पहले से ज़्यादा लग रही है मुझे। तो गाइज आज है मेरी स्मूदिंग का 3rd day, तो गाइज स्मूदिंग कराने के बाद भी आपको एक दिन के बाद आपको आफ्टर 1 day आपको जाना पड़ता है वॉश कराने एंड तब तक आप अपने हेयर्स पे कोई भी पानी नहीं लगा सकते हैं एंड उसको कान के पीछे भी ईयर के पीछे नहीं डाल सकते हैं। सो ये फेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड गाइस तो बस आज मेरे को 2nd day हो गया है स्मूदिंग का। तो गाइज मैं चाह रही हूँ अपने हेयर्स को वॉश कराने एंड वॉश कराने के बाद गाइज मैं आपसे अपना फाइनल लुक शेयर करूँगी। तो गाइज मैं बस वहीं के लिए निकल रही हूँ। सो या ओ माय गॉड गाइस दिस इज़ माय फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हैं गाइस ये है मेरा फाइनल रिजल्ट एंड जो मेरे हेयर्स है गाइस इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर हो गए मेरे। एंड गाइस मैं अगेन आपको इनका जो इन्होंने अवार्ड जो भी इन्होंने अचीव किए हैं अपनी लाइफ में वो मैं आपसे यहाँ पे थोड़े बहुत शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये। सो गाइज मैंने अपनी स्मूदिंग करा ली है एंड आप देख सकते हैं कि मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे, बट इन दिस टाइम मेरे जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो रहे हैं एंड मेरे हेयर्स में पहले से काफ़ी ज़्यादा शाइन आ गई है। एंड गाइज ये है संगीता दी, इनका पार्लर है यहाँ पे धर्मशाला लाइन में एंड गाइज शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड गाइज एज यू कैन सी डैट शी अचीव मैनी अवार्ड्स सी, तो शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड गाइज यू कैन फॉलो ऑन हर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, हर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आई डी इज संगीता थापा, सो यू कैन फॉलो हर।
सो गाइज यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो एंड अगर आप लोगों को मेरी हेयर स्मूथिंग की जो प्रोसेस थी वो अच्छी लगी हो गाइज, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। एंड अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।